और अब शाम 7 बजे में बात हुर्रियत के आतंकी, जहां पर अलगाववादियों का एक मोहरा एनआईए के हत्थे चढ़ा है। जम्मू पुलिस के जवानों के साथ एनआईए की टीम ने नीली टी शर्ट वाले जिस शख्स को पकड़ रखा है वही है देवेंद्र सिंह। जम्मू के इस घर में कल 6 घंटे चली पूछताछ के बाद देवेंद्र को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनआईए को देवेंद्र सिंह के घर से 4 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप मिला है। आरोप है कि देवेंद्र पाकिस्तान के संपर्क में रहकर देश विरोधी काम में शामिल था। एनआईए को लगातार ये सूचनाएं मिल रही थी कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार भारत में पाकिस्तान की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर में जो पैसा भेजता है, उस पैसे को हुर्रियत तक पहुंचाने के लिए देवेंद्र सिंह बहल एक बहुत बड़ी कड़ी थी। इस समय देवेंद्र जम्मू एंड कश्मीर सोशल पीस फोरम चला रहा है। ये फोरम कश्मीर में मानवाधिकार मामलों को उठाती रही है। इस संस्था का मुखिया हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी है। देवेंद्र आतंकियों की शव यात्रा में भी हिस्सा लेता रहा है। इसके घर गिलानी, नईम खान और शब्बीर शाह आया करते थे। आतंकी फंडिंग के लिए यहां गुप्त बैठकें भी होती थीं। एनआईए ने अलगाववादियों का कैलेंडर भी बरामद किया। ये कैलेंडर अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की ओर से जारी होता रहा है। कैलेंडर में बंद से लेकर पत्थरबाजी तक का जिक्र है। कैलेंडर में हमले की साजिश तक की बात है। कैलेंडर में 150 आतंकियों का जिक्र है। अब सरकार कह रही है कि सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। कानून अपना काम कर रहा है और बड़ा सख्ती से करेगा। कोई भी आदमी है अगर वो कानून के जो है उसको वायलेट करता है, उसको उसी तरीके से जो है उसको डील किया जाएगा। इससे पहले कई अलगाववादी नेता भी टेरर फंडिंग के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि जो कैलेंडर एनआईए के हाथ लगा है उसमें बुरहान वानी का जिक्र है। उस कैलेंडर में यह भी जिक्र है कि बुरहान वानी की मौत की बरसी के दौरान किस तरह की रूपरेखा बनाई जाएगी कश्मीर में, ताकि कश्मीर में हिंसा बढ़के। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।